सेवायोजन कार्यालय परिसर में स्थापित प्राचीन समय माता मंदिर का जीर्णोद्धार स्थानीय पार्षद पिंटू गौड़ और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया। सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़ उर्फ पिंटू सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद पिंटू गौड़ ने कहा, आप वही पीछे जाइए, इनको आगे रखिए, इनको आगे रखिए, आप उधर कर दिया और उधर कर दिया, आ जाइए इधर, चलो सीधे सीधे खड़े होइए, सीधे खड़े होइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौड़, पार्षद सिविल लाइन। ये सम्य माता का मंदिर है, ये 200-300 साल वर्षों पुराना मंदिर है। इसको हम लोगों ने इनके मंदिर पे आने से पूजा पाठ करने से प्रेरणा हुई कि माता जी का जीर्णोद्धार करा दिया जाए। और एक दिन माता जी ने सपने में भी हमको दिखाया कि इसका जीर्णोद्धार माता जी द्वारा किया जाएगा। माता जी का आशीर्वाद मिला, हम लोग उनके रास्ते पर चले और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 200-300 साल पुराना मंदिर है। आप ही के परिवार वाले इस मंदिर की देख रहे? नहीं सर, हमारे परिवार वाले भी मिल के देख रहे करते हैं। और जैसे मान लीजिए जनता जनार्दन क्षेत्र की जनता जिसको आस्था हो यहाँ पर आके अपना पूजा अर्चना करता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके बाद इसमें शरीक रहता है, माता जी का सेवा करता है। न इसमें कोई हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ पर सारे लोग एक साथ आग पूजा करते हैं।